एवरीवन वेलकम टू एसएन एजुकेशन पॉइंट्स। बंधुगण आज मुझे उपस्थित अच्छी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 05 को लेकिन जोटा कि 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 05 यहाँ जो प्रथम पेज रे 555 बाहरी पीजीटी पोस्ट से अनुसार पुणी आउ थे 488 कैटेगरी मुझ आगर भी कही जो एस एस बी लेक्चर वीडियो बनईली से भी कही कि एस एस बी पी जि टी गोटे अच्छे से प्लस टू पाई आ एस एस बी लेक्चर जो अच्छे से प्लस थ्री पाई तो एस एस बी पी जि टी रहा एडवर्टाइजमेंट आसी टोटाल पोस्ट अच्छी वैकेंसी अच्छी 1061 पोस्ट। ओके तो देखो एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट 05 पढ़ी दिंतु फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी इन नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल अंडर 488 कैटेगरी ऑफ ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्कूल एंड मास एजुकेशन जो स्कूल आउ मास एजुकेशन अंडर रे आसुअ जो प्लस टूटा कौच प्लस टूटा जो जूनियर कॉलेज आगर ना था एवं हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो जा तो से वैकेंसी आसी 1061 पोस्ट 1061 पोस्ट यू कैन सी हियर सेम प्लस थ्री लेक्चरर्स मानक सैलरी पे स्केल जोटा पीजीटी मानकर पे स्केल सेम 84,900 रु 1,42,400 टंका पे मेट्रिक्स लेवल 10 ग्रुप बी। ओके आउ एथिरे जो पेंशन सही नाही सेथिरे एनपीएस हम डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट डीपी पोस्ट एटा डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट एनपीएस तो चलंतु आम एडवर्टाइजमेंट रो समस्त ठीक करके आम जानवा जमी एस एस बी लेक्चर वीडियो या पूर्व अपलोड करी सो कीप कंटिन्यू वाचिंग दिस वीडियो। देखु यार फॉर्म पकेबा डेट हो 18 मार्च 2024 रु आरंभ हो 18 एप्रिल 2024 पर्यंत 11:45 पर्यंत फी पेमेंट सब मिसिकी पड़ो ताल आमको लास्ट डेट पर्यंत वेट करवा दरकार ना 18 मार्च आरंभ हो गला कि 30 तारीख भितर मार्च मस भितर फर्म पकईदेटा बेस्ट है ठीक अच्छे लास्ट डेट को अपेक्षा कले कौन हुए ना बेले बेले सर्विस जम हो जाए मानने आमर जो साइट जाम हो जाए सर्विस जो एस एस बी थ्रु प्रोभाइड करता टेपे ना तो लास्ट पर्यंत आम फर्म पकईवा अटकवा ना आम आराम डेट आरंभ है 2-4 दिन छाड़ी पकईले से बेस्ट। ओके तो आप डेटा मन रखी नि 18 मार्च रु 18 एप्रिल। ओके देन नाउ हाउ टू अप्लाई अप्लाई केमिती करिवे कैंडिडेट इंटरेस्ट टू डेट लास्ट डेट एंड टाइम को पर्यंत वेट करंतु ना एथेरे सीधा सीधा से माने इंस्ट्रक्शन दे दिंते ए जो नोट एटे से मानकर इंस्ट्रक्शन कि ए सब कथा करंतु ए सब कथा करंतु ना तो सही परिप्रेक्षी रे मु आपण मानको प्रथम बताई दी थी जेतु मु भी गोटे एक्सपेरियंस मु मध्य फेस करिछि सही प्रॉब्लम तो मु आपण मानको समस्त को रिक्वेस्ट करूछि कि आपण माने सब बेले लास्ट डेट पर्यंत वेट करिवे नाही एटा मोर अनुरोध आपण समस्त को। ओके स्टेट सिलेक्शन शैल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल इफ द कैंडिडेट आर नॉट एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ड्यू टू लास्ट मिनट रश एटा देखंतु कहउछन्ति कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो एस एस बी से रेस्पॉन्सिबल नुहंती जदि तुमने लास्ट मिनट पर्यंत रही जाऊछ। ओके कहीं लास्ट टाइम साइटा जाम हो जाए तो यहाँ मोर रिक्वेस्ट थिला आगरु भी एबे भी देखंतु वैकेंसी पोजीशन एटा जो अच्छी एथिरे एससी एसटी ओबीसी अनरिजर्व एससीबीसी जहाँ भी कैटेगरी अच्छी पीडब्ल्यूडी स्पोर्ट्स जहाँ भी कैटेगरी अच्छी एथिरे डिफाइंड करा जाए ना ओनली सब्जेक्ट दि जाए और नंबर ऑफ वैकेंसी दि जाए बोधे से जो डिवाइडेशन हुए एससीबीसी एससी एसटी जहाँ भी डिवाइड हुए कौन पोस्ट क्यों क्षेत्र में कौन कैटेगरी केतेटा पोस्ट अच्छी से जहाँ डिवाइड हुए सेटा परे बोधे दे पारे ठीक अच्छे मुटा जदि हम मुझे वीडियो रे एड करदेवी पुणी थे ना पुणी थे आउ गोटे भिड करके निश्चित भाव में अपडेट करी से प्लीज जदि आपण मैंने नुआ मो चैनल प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स फॉर मोर एंड मोर कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन। ओके एतिकी मात्र रिक्वेस्ट कि आपण थे सब्सक्राइब करके मो चैनल को लाइक कर दिंतु कहीं आपणकर क्षति ना आ मत भी मोटिवेट मिल मोर भी किसी मात्रा भल हो पार।
ताहिले देखंतु आपण निजो निजो सब्जेक्टर बाछि नियंतु बॉटनी केमिस्ट्री कॉमर्स इकोनॉमिक एजुकेशन इंग्लिश देखंतु इंग्लिश रो बहुत सारा गुडा पोस्ट अछि इकोनॉमिक्स रो 141 इकोनॉमिक्स 148 माने 148 इंग्लिश रो पुनी हिस्ट्री रो देखंतु 146 बेसिक करी इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिस्ट्री ओडिया रो बोधे थाई पारे देखा जो पॉलिटिकल साइंस रो भी देखंतु 144 माने 140 क्रॉस करिछि ताहिले एही सब्जेक्ट गुडा करी बहुत जगह पोस्ट अच्छी ओडिया रे 130 अच्छे ओके तो 130 प्लस पोस्ट कर द्वारा चारोटी सब्जेक्ट अच्छी आपण माने ए हिसाब रे निज निज सब्जेक्ट बासी की करी परिवे देखि परिवे एथि स्नैपशॉट मध्य नै परिवे जुलोजी रो 25 टा उर्दू रे गोटे तेलुगु रो 2 टा सोशियोलॉजी रो 15 टा एमिति हे कि अछि देखंतु एठि गोटे नोटिस दिया जाछि सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरीज वैकेंसी पोजीशन अलोंग विथ रिजर्वेशन शैल बी नोटिफाइड एट ए लेटर मु कहितली आगरु कि परे एही वैकेंसी जो डिटेल वैकेंसी कौ पोस्ट कौ कैटेगरी रे केते अछि सेटा परे से माने प्रोवाइड करबे से पर्यंत आमे अपेक्षा करबा मात्र आमे एतिके जानि थौ छि आमो सब्जेक्ट रे केते गुडा वैकेंसी अछन्ति गोटे थिले भी आमे निश्चित भाव रे निजकु कन्फाइंड करते बे जदि गोटे भी पोस्ट अछि दैट इज अप टू मी सेही पोस्टटा मोर ओके सेही हिसाब रे आमे निजकु प्रिपरेशन करबा एबे देखंतु एज पर सेक्शन 36 पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 द वैकेंसी रिजर्व फॉर द कैटेगरी डिजेबिलिटी कैन नॉट बी फिल्ड अप ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुइटेबल पर्सन जमी लेक्चरर रे थिला कि पीडब्ल्यूडी रो जदि वैकेंसी फुलफिल होई न पारे ताहेले से क्षेत्र रे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट छोड़ा अन्य कैंडिडेट न पा निया जीव नाही आउ एक्सचेंज ऑफ रिजर्वेशन बिटवीन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विल नॉट बी कंसीडर्ड माने जदि एसटी रे कैंडिडेट बाहर न धरियंतु एसटी रे 5टी पोस्ट अछि जदि 5टी एसटी रो पोस्ट न छुआ न बाहरंती 3टी बाहरंती आउ 2टा जदि न बाहरिला ताहिले दुईटा जाक पोस्ट खाली रहिबो से जगह एससी को भरी देबा ओसीबीसी को भरी देबा एमिति होबो नै से सीधा सलोक इंस्ट्रक्शन एसएसबी थ्रू दिया जाय छी आ गोटी इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल और सुइटेबल वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरी टू अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ द कैटेगरी शैल बी फिल्ड बाय एलिजिबल सुइटेबल कैंडिडेट ऑफ द सेम कैटेगरी माने देखंतु एससी एसटी रो से क्षेत्र रे हे परबोनी किंतु वुमेन कैटेगरी रो जो रिजर्वेशन अछि जदि सेटा वुमेन कैंडिडेट को फुलफिल करि प न पारंती से क्षेत्र रे से जगह रे मेन कैंडिडेट किंबा एनी कैंडिडेट दे कैन परसू से जगह रे अन्य कैंडिडेट मानंकु चांस दिया जाई परबो जदि वुमेन कैंडिडेट न आसती ओके किंतु आमो भारत रे तो वुमेन माने मेन मानंको पई मेन मानंको ठारु अधिक शिक्षित एवं अधिक पाठुआ मध्य तो से चांस आसीबार से परि सिचुएशन आसीबार कोनोसी चांस नै देखंतु एज लिमिट जेमिति लेक्चरर रे थिला एज लिमिट 21 रु 38 वर्ष पर्यंत एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस मानंक पई 5 वर्ष रो रिलैक्सेशन आ 10 इयर्स कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी मानंक पई ओके एससी एसटी एससीबीसी कैंडिडेट मानंक पई 5 वर्ष माने 38 प्लस 5 43 इयर्स पर्यंत किंतु पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट पई 10 वर्ष माने 38 प्लस 10 48 वर्ष पर्यंत से मानको पाखरे चांसेस अछि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रो 40% एंड मोर तार जो स्पेशल चाइल्ड कह जाय छि 40% प्लस तार सर्टिफिकेट हवा दरकार एबे देखंतु पर्सन विथ डिसेबिलिटी बिलोंग टू एससीबीसी कैटेगरी फॉर एलिजिबल एज रिलैक्सेशन बेनिफिट अप टू 15 पर्सन विथ डिसेबिलिटी बिलोंगिंग टू एससी एसटी जदि सेही डिजाबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जदि अनरिजर्व हेथिबो तांको पई 10 वर्ष किंतु जदि एससी एसटी एससीबीसी से मानको मध्यरु केही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अछंती तांको पई 15 वर्ष माने 38 प्लस 15 53 वर्ष से मनीष को हबा पई से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को हबा पई से एलिजिबल हबा पर्यंत से एलिजिबल ओके ताहिले एटा देखंतु सेफ एज provided above the age limit prescribed can in no case be relaxed tanko chhada kono si case ko relax kara jibo nahi mane upare jaha instruction dei chi taha hi lagu hobo taha chhada kichhi hobo ni date of birth entered in high school certificate equivalent certificate issued by the concerned board council will be accepted jo dob achi date of birth seta high school रो जो आमे मैट्रिक 10th स्टैंडर्ड रे जहाँ पढ़ी थी से थी जो सर्टिफिकेट अच्छे से ही डेट ऑफ बर्थ बोली मानि निया जीवो ओके कौन सी अलग आमर एज प्रूफ सेटा बर्थ सर्टिफिकेट हो कि जहाँ हो सेटा को माना जीवा ना
टेन्थ्रे जहाँ अच्छी एज डेट ऑफ बर्थ जहाँ मेंशन करा जाय छी सेटा ही हमर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखंतु जेमिति लेक्चरर रे थिला ओनली पीजी सहित तामर एमफिल नेट जेआरएफ जहाँ भी थिला से सब थिला, किंतु पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पई देखंतु टिके अलग। मास्टर डिग्री थिबो जहाँ कि एनसीईआरटी द्वारा रिकॉग्नाइज होता इंस्टीट्यूशन रु 50% और इट्स इक्विवेलेंट। देखो से 55 थिला आउ एस सी बी एस सी एस सी एस टी लेक्चर रे थिला, किंतु एठी डायरेक्ट कहि दे 50% निहाती थिबा दरकार। जो मानकर बीएड और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज काउंसिलटी जो एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अच्छी एनसीटी रो रिकॉग्नाइज होबार कथा किंवा कौन से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जमी संबलपुर यूनिवर्सिटी है उत्कल यूनिवर्सिटी है से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होता कथा किंवा एनसीटी एफिलेटेड कौन सी इंस्टीट्यूशन रु होता कथा। आ तृतीय कथा होची बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट द मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर द पीजीटी इन कॉमर्स एजुकेशन जियोलॉजी होम साइंस लॉजिक फिलोसॉफी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी आईआरपीएम तेलुगु उर्दू सब्जेक्ट। यही जो सब्जेक्ट गुड़ाक ना मुझे एवं लेखा जो हो जो अंडरलाइन करुच्ची यही सब्जेक्ट गुड़ाक बीएड रो कौनसी आवश्यकता नहीं। एटा नॉन बीएड पोस्ट माने बीएड न होइथिले मध्ये एही पोस्ट गुड़ाक जदि कहीं जो पी जी को ओनली करिसंती से इलिजिबल कैंडिडेट। ओके एथिरे एही सब्जेक्ट गुड़ाक बीएड रो आवश्यकता नहीं। चतुर्थ इनफर्मेसन देखंतु बीएड क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी माने आउ बाकी जितेक सब्जेक्ट अच्छी जोटा कि बोटनी केमिस्ट्री इकोनोमिक इंग्लीश जोग्राफी हिंदी हिस्ट्री मैथमेटिक्स ओडिया फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस संस्कृत जूलोजी यही सब्जेक्ट गुड़ाक बीएड निश्चित भाव दरकार। जदि आपणकर बीएड नहीं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पीजीटी पोस्ट ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट। ओके सो हियर गिव कंसंट्रेशन ओवर दैट यू हैव द बीएड डिग्री और नॉट। ओके यही सब्जेक्ट मानक पीजीटी पोस्ट बीएड दरकार। ऊपर जहाँ मुझे कहली जो एजुकेशन साइकोलॉजी उर्दू आईआरपीएम तेलुगु सोशियोलॉजी कॉमर्स यही सब्जेक्ट गुड़ाक बीएड रो आवश्यकता नहीं। ओके मेथड ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपोर्टेंट पे मैंने आपण मैंने निश्चित भाव में ध्यान सहित देखते जो मैंने नुआ जो मैंने आगु थे परीक्षा देखते दे आर ऑल अवेयर अबाउट दिस इनफॉर्मेशन बट दोज हु आर न्यू कैंडिडेट न्यूली फर्स्ट आउट दे फॉर देम एन इंपोर्टेंट इनफॉर्मेशन फॉर यू ऑल द अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। आर मेन आउ खुशी कथा ये कि एथिरे भाइबा नहीं टोटाली भाइबा नहीं नो भाइबा कैरियर मार्क प्लस रिटर्न मार्क। ओके कैरियर प्लस रिटर्न हो गले आपणकर पीजीटी सिलेक्शन हो जाए एथिरे कौन सी प्रकार इंटरव्यू ना ना भाइबा नहीं। ओके देखंतु रिटर्न टेस्ट केते जेमिति लेक्चरर एग्जाम हुए 150 मार्क 150 मार्क रिटर्न एथिरे मध्य 100टा क्वेश्चन 150 मार्क लेक्चरर जमी सेम पीजीटी आउ जो 50 मार्क अच्छी से 25 मार्क कैरियर आउ 25 मार्क इंटरव्यू थिला, किंतु ए 50 मार्क जो अच्छी से 10th + 2+3 ग्रेजुएसन सॉरी ग्रेजुएसन जो प्लस थ्री कहली पीजी आउ बीएड ए सब कुछ नहीं कि डिवाइड होती तो सहीटा केमी डिवाइड होती आम चलत जाणी ता पूर्व आम ये जो मुझे यहाँ मुझे पढ़वार दरकार नहीं मुझे कि जो मैने एस टी एस सी एस सी बी सी अच्छा से मैने पीडब्ल्यू टी अच्छे 30% आनवा कथा 150 30% हूँ 45 मार्क निश्चित भाव में आनवा कथा। आउ यूआर कैटेगोरी छुआ 60 मार्क निश्चित भाव जरूरी तो ये आउ थ मेनसन करदे एस सी बी सी एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी जहाँ भी अच्छा कैंडिडेट से मैं 30% माने 45 मार्क रिटर्न रे आसवा कथा 150 रु 45 आउ यूआर कैटेगोरी पिला 150 रु 60 मार्क्स आसवा निश्चित भाव जरूरी नहले यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दि पोस्ट। ओके नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एज कैरियर अकॉर्डिंग टू द कैरियर बेस्ड ऑन कैरियर द मार्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज दैट मैट्रिकुलेशन 5 मार्क प्लस टू 5 मार्क बैचलर डिग्री 10 मार्क पोस्ट ग्रेजुएशन 15 मार्क बीएड 15 मार्क टोटल
पचास मार्क है किंतु केमी मिल मार्क गुड़ाक जदि आम मेट्रिक रे अच्छी फर्स्ट डिविजन तेल पांच मार्क सेकेंड डिविजन जदि अच्छी चार मार्क आ थर्ड डिविजन जदि अच्छी तीन मार्क ओनली मिल ओके सेमती ठीक प्लस टू रो फर्स्ट डिविजन थी पांच सेकेंड थी चार थर्ड डिविजन थी तीन मार्क ओके तापर ग्रेजुएशन कथा देखु एथे मुंड खेल पड़ो ग्रेजुएशन देखूँ जदि फर्स्ट डिविजन अच्छी ओनली आठ मार्क सेकेंड डिविजन अच्छी सात मार्क थर्ड डिविजन अच्छी सिक्स मार्क ए दी मार्कटा कौन डिस्टिंक्शन आम ग्रेजुएशन कहते डिस्टिंक्शन लगे ऑल सब्जेक्ट रे आपत के मार्क आनुंट से कथा को लेकिन डिस्टिंक्शन जदि फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन तेल एट प्लस टू टेन मार्क मिल जाव सेकेंड क्लास विथ डिस्टिंक्शन सात दुई नौ मार्क मिल जाव थर्ड क्लास विथ डिस्टिंक्शन छः दुई आठ मार्क मिल ओके तो आप निज निज करियर मार्क काउंट करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन देखु पोस्ट ग्रेजुएशन कौन जिते भी मार्क अच्छी माने यहाँ कौन सब्जेक्ट गुड़ाक बीएड वाला सब्जेक्ट गुड़ाक प्रथम बीएड रे जो अच्छी पोस्ट ग्रेजुएशन पंद्रह मार्क आज जो नॉन बीएड अच्छी जो एजुकेशन साइकोलॉजी सोशियोलॉजी ए कोर्स यहाँ तीस तीस रु परसेंटेज काउंट करेंगे देखो ये लिखाही दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द पोस्ट ग्रेजुएशन जमीक धरी निमर सिक्सटी परसेंट मार्क अच्छी आमर पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी रे ओके आउ आमर करियर मार्क से काउंट हाँ पंद्रह रु एटा बीएड वाला पंद्रह रु सिक्सटी परसेंट केगला आपड़ निजे जाने हिसाब करेंगे ओके तापर पंद्रह बाय हंड्रेड इंटू सिक्सटी करदे आसीज ओके तो सेमती बीएड रे मध्य सेम जिते परसेंट आप पंद्रह मार्क रते परसेंट को इनक्लूड करा ओके तो ठीक से हीपरी जो गोटे नॉन बीएड पोस्ट गुड़ाक अच्छे जमीक एजुकेशन है इकोनॉमिक्स है से मानकर यहाँ तीस रु काउंट हम बीएडटा कटिज ओके बीएडटा कटिज ये जगह तीस होखाई देखो नोट एन बी लिखाई पीजी टी हुआर बीएड क्वालिफिकेशन नॉट मैंडेटरी दे आर फिफ्टीन मार्क विल बी पोस्ट ग्रेजुएशन सो तीस मार्क आज जो बीएड अच्छी तार बीएड रते परसेंटेज अच्छी जमीक एग्जाम्पल सतुर परसेंट अफ पंद्रह टेन पॉइंट फाइव होगा देखो ओके ये जो ठीक से हीपरी हवा आज जी एथर तीस था तार ट्वेंटी वन मार्क हाँ जमीक सतुर परसेंट अफ थर्टी एट नॉन बीएड तो यार ट्वेंटी वन मार्क हो करियर मार्क ओके तो से हिसाब से आप निज निजर करियर मार्क कैलकुलेशन करेंगे आ सीजीपीए देखो सीजीपीए वाला सर्टिफिकेट मानी गोटे इनफर्मेशन अच्छी परसेंटेज ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मार्क्स एज पर द कन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ द डिग्री अर्निंग यूनिवर्सिटी से माने कन्वर्जन सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करेंगे जो फॉर्मूला रे सीजीपीए रो मार्क प्रोवाइड करा जाइछि आउ देखंतु एटा ठीक सेमती जदि कौन सी केस रे दीटा कैंडिडेट रो मार्क टाई हो जाए टाई मीन समान हो जाए ताले तांकर जो रिटेन टेस्ट सेल भी टेकन इन टू कन्सीडर रिटेन टेस्ट रे से माने 150 रु जेते आनी दिबे तांकर अधिका हेले मानि नियंतु दुटा कैंडिडेट रो करियर मार्क चालीस चालीस हेला ताहले से मानकर रिटेन टेस्ट जी अधिक आणिबो तार सिलेक्शन हबो जदि से ही रिटेन टेस्ट रो मार्क मध्य सेम हो जाए जदि सेम हो जाए ताहले तांकर पोस्ट ग्रेजुएशन रे जेते मार्क अच्छी पीजी रे जेते परसेंट अच्छी जहार अधिक परसेंट थी ताकू कंसीडर करा जीवो ओके जदि से पीजी रो भी मार्क सेम हो गला ताहले ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन जो डिग्री जो प्लस थ्री करा नब से टाए हो गले प्लस टू को नियाजी प्लस टू टाए हो गले मेट्रिकुलेसन को नियाजी तो एभली केस आज जाए ना आसी ना आग को आसवर चान्स अच्छी किंतु इंस्ट्रक्शन क्लारिफिकेशन क्षेत्र में सेटा करा जाई पारिबो ओके ठीक अच्छे ताहले जोन ऑफ एग्जामिनेशन देखंतु बंधुगण बालेश्वर ब्रह्मपुर भवानीपाटना भुवनेश्वर कटक जयपुर केउजर राउरकेला संबलपुर एथर बहुत गुड़ाए जगार एग्जामिनेशन रो जोन गुड़ाक दिखाई तेल से ही अनुसार आम मैंने कि ए जोन गुड़ाक बहुत इजी हो स्टूडेंट मैं से परेशान हेबे नहीं कहीं समर जो खरा थी छुट्टी थी जहाँ भी थी थी से एग्जाम से बेसी दूर जावाक पड़े ना तो ये एप्लीकेशन फी फी कथा कौच आगर हजार रखाई थी पुणी पर आगर हजार थी पर या पांच शह टा रखा जा कौन मानक यू आर कैटेगरी
आउ एससी बीसी कैटेगरी रो छुआंगो पाई एटा 500 किंतु एसटी एससी आउ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट पाई सेटा 200 रुपीस। ओके तो निज हिसाब रे देखिबे देन प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोसीजर दे कैंडिडेट एप्लीकेंट विल ओनली ऑनलाइन अप्लाई रो किछि एमते सुविधा दिया है नी ओनली ऑनलाइन आ सेटा बेस्ट सुविधा मते जा लागे। ओके देन अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैट्रिक रे ओडिया पढ़ीतिबे पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ ओडिया एमते अछि। ओके नाउ आपण निजे स्नैपसट नहीं पढ़ी देबे सेथिरे किछि खास नहीं सेथिपय मु बतोइनी वीडियोटा लंबा जीव देखंतु इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन कि कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन स्पाउस लिविंग एटा तो सब क्षेत्र रे करे जे कि गोटे रो दीटा जदि से माने गोटे रो अधिक विवाह करथिबे ताहेले तांकर एलिजिबिलिटी नाही तांकु इन केस ऑफ होम सफिशिएंट रीजन गवर्नमेंट एग्जाम करि परिबो किंबा से सफिशिएंट रीजन देबे। आउ पुणी देखंतु एलिजिबिलिटी एवर प्रोवाइडेड द रेस्पेक्टिवली ऑफिस राइटिंग रिगार्डिंग सबमिशन माने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिवे जेते बेले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो आमर रिटन टेस्ट रे सिलेक्ट हला परे तापरे जो हमकु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई डका जाय भुवनेश्वर को एसएसपी ऑफिस को सेई स्थल रे आमे आमर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिवा जदि आमे कोनोसी गवर्नमेंट अंडर रे काम करू जहा सेंट्रल गवर्नमेंट हो ना स्टेट गवर्नमेंट हो सेठारु आमे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आनिथिबा उचित अदरवाइज वी आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अदर कंडीशंस एडमिशन टू द रिटन टेस्ट विल बी प्रोविजनल इफ ऑन वेरिफिकेशन एट एनी स्टेज बिफोर और आफ्टर रिटन टेस्ट इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी रिटन टेस्ट हो गला परे आपण आपनकर एलिजिबिलिटी टेस्ट अच्छी बोली मानि नने मानिबे नाही कौनसी भी क्षेत्र रे कौनसी भी समय रे यदि एसएसबी को लागे आपण मानकर एलिजिबिलिटी नाही ताहेले से आपण को डिनाय करि पारिबे से तारे क्लियर इंस्ट्रक्शन देछंती। दिस एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्ट एज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू मेक अपॉइंटमेंट माने से माने गवर्नमेंट रो अधीन रे बांधा होई नाहंती से माने निज हिसाब रे करि पारिबे। द डेट ऑफ कंडक्ट रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड लेटर इन द वेबसाइट डेट ऑफ एग्जामिनेशन परे कहि दिया जीवो एलिजिबल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड एंड देयरफॉर कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिमेन इन कांस्टेंट टच विद द ऑफिसर तरे ऑफिशियल एसएसबी साइट को टिकट के बार-बार चेक करथबो। ऑल पर्सन अपॉइंटेड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पेंशन नाही जो कोआ जे मु बारंबार कहि दिली एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम। ओके आपणकर 10% डिडक्ट हबो 10% सैलरी रो 10% कटी जीवो गवर्नमेंट से 10% रो 14% दबो दीटा मिसी की जमा हेबो आपणकर एनपीएस अकाउंट रे जहा की नेशनल पेंशन स्कीम सॉरी न्यू पेंशन स्कीम योजना रे अंतर्भुक्त है कि आमे जते बेले रिटायर्ड हबा 60 वर्ष वयस रे से समय रे से पैसा आमको मिलिवो। मियर एम्पैनलमेंट इच सिलेक्ट लिस्ट शैल नॉट बी कन्फर एनी राइट फॉर अपॉइंटमेंट देखंतु एटा को मानिबे देन सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन कौन कौन डॉक्यूमेंट लगभग सॉरी देखंतु ते कौन कौन डॉक्यूमेंट लागु छी आमर प्लस 2 प्लस 3 ऑल जेमिति लेक्चरर पई थिला सेई परी समस्त एनसीटी रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट हो किंबा प्लस 2 प्लस 3 ग्रेजुएशन बीएड जहाँ पीजी जहाँ भी आपणकर सर्टिफिकेट अच्छी कास्ट सर्टिफिकेट शेड्यूल ड्राइव एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी जहाँ भी अच्छी आपणकर आइडेंटिटी प्रूफ रो आधार आ जदि आपण गवर्नमेंट एम्प्लॉई ताहेले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एही सब आमको प्रोवाइड करबाक पड़िबो जते बेले डॉक्यूमेंट पर हाउ टू अप्लाई सेटी सेम प्रोसीजर जेमिति मु बतै देली आमर लेक्चरशिप पई कि एसएसबी साइट को जीवो रजिस्ट्रेशन करा जीवो रजिस्ट्रेशन परे आपण सब फुलफिल करिवे फुलफिल करा परे सबमिट करबा पूर्वरु निजे चेक करिवे जो चेक करिवे चेक करि सारिला परे आपण कन्फर्म हेले आपण सब डाटा जदि ठीक अछि सेटारे आउ तरे नोटिस दिए कि सब डाटा ठीक अछि आपण क्लिक करंतु क्लिक करि सारिले आपण निजर एटा जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करि देखंतु एसएसबी साइट आफ्टर 24 आवर मु आगुरु भी कहितली कि 24 घंटा परे एसएसबी साइट को जाई आपण
ପେମେଣ୍ଟର ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଟା ପାଇପାରିବେ କି ଆପଣ କେତେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଛି, ତ ନିଜ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ, ନାଁଟାକୁ ଦେଖିନେବେ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ SSB ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମିସ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଦ ଡିସିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଫାଇନାଲ୍, ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯାହା ଡିସିଜନ୍ ନେବେ ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ୍, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି କନଭାନ୍ସିଂ ୟା ମିସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇପାରିବନି କିମ୍ବା ସପେଷଣ ହୋଇପାରିବନି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆର୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇସାରିଥିବେ ବି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମିସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ SSB ଡିନାଏ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେଇପାରେ କି ତା ବଦଳରେ ପେନାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି। ଏମିତି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଫେୟାର୍ ମିନ୍ସରେ ମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ନ ହୋଇ ସେ ବିନା କିଛି ପାର୍ସିଆଲିଟିରେ ସେ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ SSB PGT ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ସେ ବନ୍ଧୁଗଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ବି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଫ୍ ମାଇ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଫର୍ ୟୁ ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଗିଭେନ୍ ନ୍ୟୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନୋନ୍, ଗୋଟେ ପଦ ବି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ PGT ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ସେୟାର୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୁର୍ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଭିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।